तो दोस्तों, डीमार्ट ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। मैं आपको मार्केट का जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके समझाता हूँ कंपनी के नंबर कैसे देखने को मिल रहा है। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 13,572 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 10,594 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 12,726 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखना है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 21% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को, वहाँ पर देखें तो अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 5% के आसपास की, 5 से 6% के आसपास की गिरावट है। लेकिन मैं आपको समझा चाहूंगा कि कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है वैसे मैं आपको साल दर साल जांच करना चाहिए। साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है, 12,726 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको 12,614 करोड़ के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिला। तो आप कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से कंपनी का रेवेन्यू आपको थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या हुआ देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 12,656 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 10,002 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 12,001 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी खर्चे ऑनलाइन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट देखते हैं कि वो क्या इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 690 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 460 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 563 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी आपको 22% के आसपास की तेजी आपको देखने मिली। कंपनी का रेवेन्यू जितना बढ़ा है उतना ही देखें तो कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने वाला साल दर साल। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली। मैं आपको बता दूँ कंपनी ने शो कितना किया, 563 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी ने शो किया। हालांकि मार्केट को उम्मीद था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ वो 586 करोड़ के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिला। इस हिसाब से बोले तो थोड़ा सा कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से उतना चलेगा, उतना इनलाइन ही रखा जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी के नंबर इनलाइन देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं, पिछले क्वार्टर में 10.5 रुपये के आसपास, पिछले साल देखें तो 7.10 रुपये, अभी देखें तो 8.5 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का ईपीएस आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के जो ईपीएस है उसके अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को मिल रही। तो अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी के नंबर मेरे हिसाब से इनलाइन आपको देखने को मिले, क्योंकि जितना कंपनी का रेवेन्यू मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उतना ही कंपनी ने रेवेन्यू शो किया। जबकि प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी इनलाइन ही आपको देखने को मिला। तो देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।